हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मुरमुरे के लड्डू। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और जो ये लड्डू है बच्चों को बहुत पसंद आता है। पूरे टिप्स और प्रॉपर रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। खस्ता खरारे मुरमुरे लड्डू बनाने के लिए हमें दो चीजों की ही जरूरत है, वो है मुरमुरे और गुड़। यहाँ पे मेरे एक जरूरी टिप है, एक अच्छा लड्डू बनाने के लिए सबसे जरूरी उसका रेशियो। यहाँ पे मैंने 2 कप मुरमुरे के लिए 1/4 कप गुड़ लिया है। सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कर दे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप मुरमुरे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो में रख के मुरमुरा को हल्का सा फ्राई करके क्रिस्पी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये बहुत ही जरूरी टिप है, एक अच्छी लड्डू बनाने के लिए मुरमुरा करारा चाहिए, तभी तो मुरमुरा क्रंची लगेगा। क्रिस्पी होने के बाद इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फिर उसी कड़े में हम डालेंगे गुड़। गुड़ ऐसे लेना है, जब हाथ में पकड़ेंगे तो पूरा सॉफ्ट होना है। गुड़ को मेल्ट करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर गुड़ को अच्छे से मिक्स करके मेल्ट होने देते हैं। तो गुड़ मेल्ट होने के बाद इसको छान लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी गंदगी हो वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गंदगी निकला है। फिर वापस उसी कड़ाई में डाल के इसको अच्छे से पकने देते हैं। गुड़ को किस लेवल तक पकाना है इसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए 1 कप में थोड़ा सा पानी ले, फिर गुड़ को अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। तब तक पकाना है जब गुड़ अच्छी तरह से गाढ़ा बन जाए। इसको इसी तरह पकने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारा गुड़ गाढ़े होने लगा है। इस स्टेज में आने के बाद आपको चेक करते रहना है। इस तरह एक बूंद डाल के चेक कर लेते हैं, अब ये बिल्कुल क्रंची नहीं है। अब इसको और थोड़ी देर पकाना है। अब फटाफट इसको चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट पका है या नहीं। अब इसका आवाज आप सुन सकते हैं। बस इसी स्टेज तक हमको पकाना है। यहाँ पे इस टिप को फॉलो करें। फिर तुरंत गैस ऑफ करके सारे मुरमुरे को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज में आपको हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, फिर गोला नहीं बन पाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसका लड्डू बना लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पानी लेके हाथ को गीला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो अब इसमें से गरम गरम उठाइए, हल्के हाथों से इस तरह गोल गोल बनाइए। ये देखिए कितना अच्छे से गोल बन के तैयार है। इसी तरह छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही कम मीठा और क्रंची बना है। मीठा ज्यादा पसंद करते तो गुड़ का मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया है। फिर थोड़ा सा इसी तरह छोड़ रही हूँ, वो इसलिए घर पे मदर इन लॉ है उनके लिए। ये देखिए बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी मुरमुरे के लड्डू बनके तैयार है। जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।